हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, ये डाउट सेशन है और ध्रुवी बेटा, थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बीच में मैं बिज़ी हो गई थी, काम बहुत ज़्यादा था और ज़रूरी काम था। इस वजह से मैं बहुत जल्दी इसका आंसर नहीं दे पाई, आपके डाउट का तुरंत के तुरंत आंसर नहीं मिल पाया। लेकिन आज मैं ये डाउट आपका क्लियर कर रही हूँ और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर रही हूँ। देखो, डाउट को उसकी रिप्लाई देने में, उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन पूछा और मैंने नहीं बताया। ऐसा कभी नहीं होगा। तो आज मैं बता रही हूँ, आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना कि ये चेंज कैसे हम करते हैं, ठीक है, तो पूरा मैंने बताया था ना कि इसके लिए मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, वीडियो से समझ में आएगा। तो देखो, ये हमारे पास एक स्केल है, ओके, ये किलोमीटर, हेक्टोमीटर, आप देखते जाना है ना, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, आप इसको चाहो तो लिख लेना जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। फिर एक बार मैं बोल रही हूँ, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये, है ना, मीटर। अगर इसी में मीटर के जगह पर आपको लीटर करना है तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है। आप इसको ग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। तो आपको सिर्फ चीज़ें, ये जो के, एच, डी, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। आप क्या ले रहे हैं, अब जैसे यहां पर सब जगह मीटर 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 सब जगह एम आया है, ठीक है, अगर लीटर 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 रहेगा तो सब जगह एल आएगा, ठीक है, अगर ग्राम 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 रहेगा तो सब जगह जी आएगा, ठीक है ना। तो देखो, अगर ग्राम करोगे तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, ये ग्राम हो गया। लीटर करो, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब हम यहाँ पर अगर मीटर कर रहे हैं तो एम लिखेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ओके, ये हमारा हो गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का स्केल। अब बात आती है कि किस वैल्यू को आपको किस वैल्यू में चेंज करना है, है ना। तो इसके लिए आप याद रखो कि अगर आपको इधर से और इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना है, इधर की तरफ अगर आपको चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और उधर वाले यूनिट को इधर वाले में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। आप एक एग्जांपल देती हूं, जैसे कहा जा रहा है कि 4 किलोमीटर है, ठीक है, 4 किलोमीटर है उसका, तो ये कितना मीटर है, 4 किलोमीटर है तो इट मीन्स कितना मीटर है, आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, है ना। तो कैसे करेंगे, तो 4 किलोमीटर, देखो 4 किलोमीटर, किलोमीटर यानी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू अभी इस पोजीशन पर है, उसका स्टेशन ये है, है ना, कि यहाँ पर 4 किलोमीटर पर है और आपको बोल कह रहा है कितना मीटर होगा, मीटर, है ना, तो आपको कौन से स्टेशन पे जाना है, मीटर, इधर जाना है, यानी कि आपकी ट्रेन छुक 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 कहाँ, किधर की तरफ चलेगी, तो आपकी ट्रेन इधर से इधर की तरफ जा रही है, जब ट्रेन इधर की तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई होगा, ओके। अब देखो ये 4 है, है ना, अब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें, तो 4 के नीचे आप लिख दो, यहाँ पर यहाँ लिख दो आप 1, ठीक है, यहाँ पर लिख दो आप 1, है ना, मल्टीप्लाई हम किससे करें, दूसरा कलर ले लूँ क्या, है ना। देखो, अब 4 के नीचे आप क्या कर दो, आप लिख दो 4 के नीचे 1, ठीक है, कि आपको कहाँ तक जाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको 1 लिखा आपने, और कहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है, तो इस स्टेशन पर 1-0, इस स्टेशन पर 1-0, इस स्टेशन पर 1-0, ठीक है, यानी आपके पास एक वैल्यू मिल गया ना, क्या मिला आपको, 1000, तो 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किस में, 4 में, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ मीटर में पहुँच जाएगा, मतलब 4 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, कितना मीटर, तो अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोलेंगे, 4000, है ना, तो 4000 मीटर में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसको आप, है ना, कैसे 10 के पावर में दिखाना चाहते हो तो उसके लिए ध्यान से समझो आप, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, कोई बताता नहीं है, ध्यान से समझो कि अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो, क्योंकि साइंस में ना 10 के पावर में चलता है, बड़ी क्लासेस में ऐसे बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो आपके यहाँ पर पूरा वैल्यू जहाँ खत्म हो रहा है ना, दिमाग में आपको रखना है कि आपका डेसिमल यहाँ है,
ठीक है। अब डेसिमल को आप यहाँ लेके आओ, एक पॉइंट पीछे की तरफ ला रहे हैं। डेसिमल को हम कहाँ ले जा रहे हैं, पीछे की तरफ। तो हम डेसिमल को एक पॉइंट हम यहाँ लेके जाएंगे, फिर एक पॉइंट यहाँ लेके जाएंगे, फिर एक पॉइंट यहाँ लेके जाएंगे, यानी कि डेसिमल आपको यहाँ लेके आना है ना। तो आपने कितने को क्रॉस किया, तो पहले तो यहाँ पर लिखो 4 मल्टीप्लाई बाय, है ना, आपने कितने को क्रॉस किया। तो हम क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 3 को हम इधर की तरफ क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 10 के पावर, एक जीरो क्रॉस किया तो पावर में 1, दूसरा जीरो क्रॉस किया पावर में 2, तीसरा जीरो क्रॉस किया पावर में 3। तो ये इसको अगर आप पावर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर में 3, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय पावर 10 के पावर में 3, समझ में आ गया। तो ये देखो, ये तो हुआ हमारा कि हम अगर इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो, है ना। अब आप उधर से अगर इधर की तरफ आएंगे, जैसे आपने, आपका क्वेश्चन शायद इसमें ही था कि आप उधर से इधर आ रहे हैं तो माइनस 3 कैसे हो जा रहा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, आपको अगर दिया हुआ है, वैल्यू जो आपको दी गई है ना वो मिलीमीटर में दी गई है आपसे, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपके पास 5 मिलीमीटर का वैल्यू है, ठीक है, 5 मिलीमीटर है ना, और जो आपको आंसर लाना है वो आंसर हमको मीटर में चाहिए, ठीक है, 5 मिलीमीटर है और आंसर हमको मीटर में चाहिए। तो आप 5 मिलीमीटर जो क्वेश्चन दिया है उसको आप कहाँ बैठाओगे, ठीक है। तो देखो इसमें कहाँ बैठेंगे, तो मिलीमीटर वाला स्टेशन कहाँ है, वो रहा, तो हम 5 मिलीमीटर को हमने यहाँ बैठाया, ठीक है। और हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है मीटर तक, यानी कि अब हमको उधर से चलते हुए आना है, यहाँ 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 तक हमको आना है, ठीक है। इस वाले को हटा दो। अब देखो, हमको आना है इधर के साइड में। अब जब हम इधर के साइड में आएंगे तो क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के लिए कोई वैल्यू भी तो चाहिए, किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ओके। तो वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आपके पास से दिया गया है वहाँ पर लगाओ 1, कि यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद हमको आना है इस वाले स्टेशन पर 1, 0, उसके बाद हमको आना है इस स्टेशन पर 1, 0, उसके बाद हमको आना है इस स्टेशन पर 1, 0, और यहाँ पर हमको रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिला, है ना। अब इसको सीधा कर लेना, आप ऐसे मत लिखना 0001, इसको सीधा कर लेना है। सीधा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000। तो 1000 तो हमको मिला, और 1000 कहाँ से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, ओके। तो 5 mm को अगर आपको m में मीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास 5 mm है, तो देखो 5 mm और डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड करेंगे आप, 1000 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 1000 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट में, ठीक है। अब देखो, नीचे ये वाला जो 1000 है, उस 1000 को आप क्या लिख सकते हो, देखो अब इसको हटा दो, है ना। अब अगला स्टेप बता रही हूँ मैं कि आप इसको और क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 और मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर में 3। 10 के पावर में 3 कैसे लिख रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, और ऐसा होता ही है कि आपका जो पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, मतलब पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट एक क्रॉस करेगा 1, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से फिर क्रॉस करेगा यहाँ आएगा, तो ये 2, फिर पॉइंट यहाँ से क्रॉस करेगा यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर 10 के पावर में आप इसको 3 करेंगे। अब ये 10 के पावर में 3 जब इसको आप ऊपर लेके आओगे, दोनों को साथ साथ करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हुआ 5 तो आपका है ही, और 10 के पावर में जब 3 ऊपर की तरफ आएगा तो पावर यहाँ पर प्लस में है, जब ऊपर आएगा तो पावर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर में माइनस 3। माइनस 3 तो हो गया, लेकिन स्टेशन क्या है आपका, मीटर। तो ये आंसर किस में आ गया, ये आंसर आ गया मीटर में, ठीक है। तो 5 mm का मतलब कितना मीटर, तो 5×10⁻³ मीटर, ओके। अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से लेके यहीं तक चलें, हम कहीं भी चल सकते हैं, पूरा स्केल मैंने आपको बता दिया। जैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, है ना। तो अब आप निकालो कि मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ये हटा दो। देखो, मैंने आपसे कहा कि मुझे मीटर से, मेरे पास 5 मीटर है, है ना, 5 मीटर है, लेकिन मुझे उसको सेंटीमीटर में आप बताओ। तो मेरे पास मीटर कितना है, क्वेश्चन है आपका कि 5 मीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, आंसर कह रहा है कि आंसर आपको सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है। 5 मीटर है और आंसर आपको किसे बताना है, सेंटीमीटर में बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो बस आप देखो पहले कि आपका क्वेश्चन कहाँ स्टैंड है, कौन से स्टेशन पर, मीटर वाले पर। तो हम भी यहाँ पर कर देते हैं मीटर वाले पर, लो भाई, है ना, ये 5 हो गया। और हमको जाना कहाँ है, हमको जाना
जाना है सेंटीमीटर तक, यानी कि यहाँ तक जाना है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे वन, ठीक है। यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो पहला स्टेशन आएगा जीरो, दूसरा स्टेशन आएगा जीरो, ठीक है। तो कितना आया ये 100। अब 100 से हम चूंकि इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब अगर तुम इसको 10 के पावर में करना चाहते हो तो आप क्या करो, बस यहाँ पर आपका डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। वो डेसिमल एक क्रॉस किया, दो क्रॉस किया, यानी कि नंबर आए दो, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर में 2। इतना क्या, आप यहाँ से कहाँ पहुँच गए, सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, मैंने आपको बोला, क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बोला कि आपके पास है आपके पास है 7 डेसीमीटर, ठीक है, 7 डेसीमीटर है और उसको आपको चेंज करना है किलोमीटर में, ठीक है। 7 डेसीमीटर है और उसको हमको चेंज करना है किस में, आंसर हमको किलोमीटर में चाहिए। कैसे करेंगे, तो करो देखो, सबसे पहले डेसीमीटर, तो आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को डेसीमीटर पे बैठाना है। कहाँ है आपका डेसीमीटर, ये रहा आपका डेसीमीटर, डेसीमीटर पे बैठा दो। तो कितना डेसीमीटर है ये, 7 डेसीमीटर है, तो हमने बैठा दिया, ठीक है। अब आपको इसको ले जाना है कहाँ, किलोमीटर वाले तक ले जाना है। तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अब 1, 2, 3 किलोमीटर आ गए, आ गए ना किलोमीटर के पास, ठीक है। तो यहाँ हम स्टॉप करेंगे, रुक जाएंगे। अब ये जो आपको वैल्यू मिला है, उस वैल्यू का क्या करना है, चूंकि उधर से उधर आ रहा है तो डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे किससे, 1 और 1 के आगे कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, है ना। तो 1, 2, 3, 4, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 7, और यहाँ पर 10 के पावर में कितने, 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 के पावर में 4, ठीक है। अब 10 का पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 4 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर में माइनस 4, और कहाँ पहुँच गए आप, किलोमीटर में पहुँच गए, तो यहाँ पर आ गए हम किलोमीटर, ठीक है। तो हमने डेसीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बस आपको केवल ये लाइन याद होनी चाहिए और ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, इधर आएंगे तो डिवाइड होगा। और इसको एक बार वापस आप पढ़ लो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ग्राम में बताओ, किलोमीटर, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। और लीटर में भी उसी तरीके से लीटर में कर लेना, है ना। तो किलो, हेक्टो, है ना, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। इसको बस लिख लो और ये याद कर लो। अब उसके बाद आपको किसी में किसी को चेंज करना हो, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। और ठीक है ध्रुवी, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो ध्रुवी, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और ध्रुवी, मैग्नेट चैप्टर की बात करो, मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ मैग्नेट चैप्टर, और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊँगी कि आपको एकदम ईजी मक्खन की तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये कार्बन एडिड्स कंपाउंड चैप्टर में मेरे थोड़े से पार्ट रह गए हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं सीधे वो मैग्नेट वाला ही चैप्टर लेने वाली हूँ, ठीक है। तो बस, और भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो स्टडी करते रहिए, ओके, नेक्स्ट डे।